नमस्कार। आज मंदिरों की बात करते हैं। केरला में पद्मनाभ मंदिर है और ये करीब करीब हर साल 500 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाता है और लगभग इसकी अगर अब टर्नओवर की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर है। हम जानते हैं साउथ में एक और बहुत बड़ा मंदिर है तिरुपति, जहां 52,000 करोड़ का टर्नओवर होता है हर साल। साई मंदिर शिरडी जो हमारे महाराष्ट्र में ही है, वो करीब करीब 2200 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी उनके पास है, यानी 2200 करोड़ की संपत्ति का मालिक शिरडी साई बाबा मंदिर है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो वैष्णो देवी जो कि नॉर्थ में सबसे बड़ा मंदिर कहला जाता है, वो 500 करोड़ हर साल वहां जमा होता है। सिद्धिविनायक मुंबई, जी हाँ, 125 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी ये सिर्फ एकमात्र मंदिर में है। हिंदुस्तान में 6,38,000 गांव हैं, 5,000 कस्बे हैं और करीब करीब 400 शहर छोटे और बड़े मिलाकर होंगे। तो हिसाब लगा लीजिए कि ये पूरी मंदिरों की संख्या, जिनका मैं छोटा सा एक विश्लेषण आप तक पहुंचा रहा हूं, ये करीब करीब 6 लाख से कम नहीं होंगे। यानी अकेले मंदिर हिंदुस्तान में 6 लाख से कम नहीं होंगे। मैं आज मंदिरों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय संकट के समय हम जब इस पेंडेमिक कोरोना से गुजर रहे हैं, हम अक्सर उदारवादियों और धर्मनिरपेक्षताओं के प्रभाव में रहने वालों को अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं, मंदिरों ने अपने दरवाजे नहीं खोले जब ये कोरोना का समय, ये संकट आया, तो फिर कितने सारे मंदिरों की हमें क्या जरूरत है, क्यों ना इसे अस्पताल में कन्वर्ट किया जाए, या फिर अगर हमें तैयारी होना था तो अस्पताल के लिए क्यों नहीं हुए, मंदिरों के लिए क्यों अब तक सीमित थे। एक सवाल मैं आप सबसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्या हम इस घनिष्ठ संकट के लिए कभी तैयार थे? कभी नहीं। हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं कि कोई बड़ा संकट आएगा, और हमने हमेशा अपने धर्म को, अपने भगवानों को उतनी ही सेवाएं दी, वैसे ही रखा जैसे हम इसकी कल्पना या श्रद्धा के रूप में देखते हैं। और एक खास बात, मंदिरों का निर्माण सबसे पहले या प्रायः अगर किया जाता था तो उसकी कल्पना इस विषय में की जाती थी कि वहां पर गौशाला हो, वहां पर वेदशाला हो, वहां पर वैद्यशाला हो, और जितने मंदिर हुआ करें हर जगह पर, हर गांव कस्बे में, हर शहरों में, तो उसका बेसिक मंसूबा यही था कि एक बुरे विचार और बुरे व्यवहार से बचे, दूसरा समाज को संगठित रखे, और तीसरा मुख्य जो जरूरतमंद है उनकी देखभाल हो। अनाथालय, बच्चे जिन्हें खाने को नहीं है, बहुत सारे गरीब जिन्हें खाने को नहीं है, सरकार वहां तक नहीं पहुंचती है तो मंदिर वहां पहुंचती थी। मेरा आज सबसे एक ही गुहार है, और वो गुहार है कि हिंदू मंदिरों में निवेश किए गए संसाधनों के बर्बादी के रूप में चित्रित करने का प्रयास जो किया जा रहा है, क्या वो सही है? संसाधनों को अन्य तरीकों पर खर्च किया जा सकता था। आज हम ये जितनी भी कल्पना है, बड़े चित्र को, मंदिरों को और अस्पतालों को आज की नजर से देख रहे हैं, ये हम कभी हमने सोचा नहीं था, इसलिए इसकी तैयारी नहीं की थी। सामान्य परिस्थितियों में अस्पतालों के अलावा बहुत शोर शराबा किया जाता है कि संसाधनों को स्कूलों के निर्माणों के लिए आवंटित क्यों नहीं किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि मंदिरों का निर्माण और स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण परस्पर बनता चला गया और बनते रहे हैं, तब स्कूलों की और अस्पतालों की कमी क्यों? हिंदुओं को अपराध बोध से मुक्त करने के लिए एक समर्पित प्रयास जरूर होना चाहिए। हालांकि जैसे कि यह पता चला है कि संकट के समय मंदिरों में शामिल संपूर्ण सामाजिक कार्यों के अलावा वे संकट से निपटने के लिए संसाधनों को दान देने में सबसे आगे आए हैं। जी हाँ, अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो आपकी आंख खोल देगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे मंदिरों ने दरवाजा बंद रखा, ऐसा सुनने में आया है, मगर ये तथ्य नहीं है। वुहान के कोरोना वायरस की जो महामारी हमें जो दिखाई दे रही है आज दूसरे साल भी, संकट के मद्देनजर
देश में कई मंदिर देश की मदद के लिए भोजन और कल्याण दोनों के मामले में उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए आगे आए हैं। उनके महान योगदान के बावजूद उन्हें शायद ही कभी कोई श्रेय मिल पाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप एक मिथ्या जो हमारे मन में पल रही है मंदिरों के खिलाफ वो हमेशा रहेगी। मेरा आज का इस वीडियो को शूट करने का प्रयास यही है कि मैं आपके चश्मे खोलूं और आपको बताऊं कि वास्तविकता क्या है। इस कठिन समय में देश की सहायता के लिए आगे आए जो मंदिर हैं, उनकी एक व्यापक सूची मैंने निकाली है और उन्हें मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि काछी मठ ये ऐसा एक मंदिर है जिसने 10-10 लाख रुपए प्रदान किए हैं, 10 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और 10 लाख रुपए तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर फंड में। जी हाँ, ये काछी मठ तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और इसका योगदान 10-10 लाख के रूप में दो बार हुआ है, एक चीफ मिनिस्टर फंड के लिए और एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। वहीं मैं और मंदिरों की जिक्र करते हुए आपको महावीर मंदिर के बारे में बताता हूँ। महावीर मंदिर जो कि पटना में है, इस मंदिर ने 1 करोड़ सीएम रिलीफ फंड ले दिए हैं और ये कहते हैं, जब देते वक्त इन्होंने कहा है कि उनका मेन मकसद ये है कि जो बहुत गरीब हैं, जो पीड़ित हैं कोविड से, उनकी सहायता इन पैसों से की जाए। महावीर मंदिर वही मंदिर है जिन्होंने 10 करोड़ रुपए का राशि का धन कमिट किया है राम मंदिर के लिए जो अयोध्या में बनने वाला है। माता वैष्णो देवी मंदिर जिसके बारे में हम सब जानते हैं और जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, उन सब ने, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी पुजारी, उन्होंने सब ने अपनी एक दिन की सैलरी का कमिटमेंट किया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन की सैलरी दी है। साथ ही साथ उन्होंने 600 बेड वाले एक ऐसे डॉर्मेटरी को तैयार किया है जहां पर वो पेशेंट की देखभाल करें, उनको जो कोविड से पीड़ित है वो यदि आते हैं तो उनको ये सेवा मिले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स ये नाम से जो अथॉरिटी ने यहाँ बिल्ड की है 600 बेड की, ये कटरा में है और कटरा के लिए वो काफी कमिटेड है। महामाया मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिन्होंने 5,11,000 रुपए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हैं और ये महामाया मंदिर जो है, ये ट्रस्ट है, ये छत्तीसगढ़ में है। इन्होंने 1,11,000 रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी को भी दिया है। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, तो गुजरात चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ दिया है इन्होंने। अंबाजी मंदिर ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए गुजरात चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। ये साई बाबा संस्थान ट्रस्ट जो, जिसका शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट जिसे SSST के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 51 करोड़ का चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना योगदान दिया है। साथ में श्री साईनाथ हॉस्पिटल, शिरडी ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, स्कूल फॉर डेफ एंड डम यानी मूक बधिरों के लिए, जो डिस्टिट्यूट है, जो अनाथ है उनके लिए, जो जरूरतमंद है, नीडी उनके लिए, और पुलिस कर्मचारियों के लिए जो कि तैनात है, श्री साई प्रसादालय के तहत इन्होंने वहां भी अपना योगदान जारी रखा है अब तक। देवास्थान मैनेजमेंट कमेटी कोल्हापुर, जी हाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र से और योगदान है, 2 करोड़ का योगदान महालक्ष्मी टेम्पल से आया है। 1.5 करोड़ का योगदान उनका CMRF फंड की तरफ गया है। 50 लाख का उन्होंने कलेक्टर को अपनी तरफ से योगदान अलग दिया है मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि कोरोना वायरस वहाँ भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये बताया है असिस्टेंट सेक्रेटरी शिवाजी सालवी ने। बाबा रामदेव जिनकी बात करते हैं हम, उनको बहुत बड़ा सरकार ने मदद दिया है ये हम ये जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी सरकार की तरफ अपना दायित्व समझकर 25 करोड़ रुपए PM सिटीजन असिस्टेंस के लिए दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने पतंजलि के जितने भी सेंटर्स हैं, पतंजलि या रुचि सोया, ये 2 कंपनियों के, उन्होंने 1.5 करोड़ अलग से खर्च किए हैं जहाँ पर हर जगह पर उनके, अगर मैं नाम लूँ तो आपको बता दूँ कि हरिद्वार आश्रम में, कोलकाता मोदीनगर आश्रम में, सोलन हिमाचल प्रदेश आश्रम में इन्होंने 1500 पेशेंट्स देखे जाए, उनको ट्रीट किए जाए, इतनी सुविधा पतंजलि बाबा रामदेव ने की है। स्वामी नारायण मंदिर, जी हम सब जानते हैं कि स्वामी नारायण बहुत मशहूर मंदिर है गुजरात का, यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और ये दी गई है गुजरात के गवर्नमेंट को। इसके अलावा मन्नारगुड़ी
जी आर स्वामी, ये एक टेम्पल है जहाँ पर हर दिन वहाँ के दो ट्रस्टी हमेशा तैनात रहते हैं। उन्होंने खाना बनाने के लिए एक अलग से संस्था ली है और उस संस्था के तहत वो 200 लोगों को खाना हर रोज दे रहे हैं। रानी सती मंदिर जो राजस्थान में है, ये एक बहुत आइसोलेशन में टेम्पल है। इन्होंने 200 रूम अपनी तरफ से तैयार किए हैं ताकि कोरोना वायरस के पेशेंट को वहाँ ट्रीट किया जाए। श्री माता मनसा देवी मंदिर, जी हाँ, पंचकुला का हरियाणा में एक मंदिर है। ये मंदिर ने 10 करोड़ रुपए सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट को दिए हैं ताकि वो इनकी सेवा कर पाए जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित है। जी हाँ दोस्तों, मैं ना तो धार्मिक हूँ, ना ही मैं आस्तिक हूँ, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तैयार कर रहा हूँ। हम यदि अपने आप को समझदार कहते हैं और हम ये समय को समझ सकते हैं तो इसकी सबसे बड़ी सीख ही होगी कि आने वाले दिनों के लिए हम तैयार रहें। तो मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को एक गुहार है, सरकार जो करना है वो तो करेगी, सरकार के लिए मत वेट कीजिएगा। हम एक धार्मिक संस्थान लेकर बैठे हैं जिसे हम मंदिर कहते हैं, वो धर्म का स्थान है और धर्म ये कहता है कि हर ज़रूरतमंद, हर व्यक्ति जो मंदिर से जुड़ा है, जो मस्जिद से जुड़ा है, जो गुरुद्वारे से जुड़ा है, जो चर्च से जुड़ा है, उन सब ने एक चीज़ तो करनी चाहिए और वो ये है कि आने वाले उस बुरे समय के लिए तैयार होना चाहिए। बुरा समय बोल कर नहीं आएगा और बुरा समय कितना बुरा होगा उसकी सीख आज के कोरोना काल में हमें दिखाई देती है। हर मंदिर ने कम से कम एक स्कूल ऐसा बनाना चाहिए जो हो सकता है हमारी पुरानी अच्छी शिक्षा, जो वेद वैद और गौशाला जैसे अच्छे सीख को बढ़ाता है, शायद वो करना चाहिए। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को हम इसमें बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जितने अच्छे से हम एक स्कूल को हमारे हिंदुस्तान की पहचान बनाएं और एट द सेम टाइम हम टेक्नोलॉजी के जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको भी हम अपनाएं, एक साझा कार्यक्रम बनाएं। दूसरा, हर एक मंदिर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल का पैमाना क्या हो वो मंदिर पर डिपेंड करता है, लेकिन हर एक ज़रूरतमंद के लिए उस मंदिर के दरवाजे एक स्कूल और एक अस्पताल के लिए यदि खुल जाते हैं तो उस मंदिर की गरिमा और बढ़ जाएगी। धर्म के नाम पर धर्म और विशाल हो जाएगा। हम हर एक व्यक्ति अगर ये सोचे और दान दक्षिणा के रूप में मंदिर की तरफ जाए तो मंदिर के पास में ये प्लान आज होना चाहिए। और मैं ये तो कहता हूँ कि ये मंदिर के विषय में आज मैंने चर्चा ली है, हो सकता मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वाराओं में भी ऐसे काम किए हैं, लेकिन आज क्योंकि मैं कुछ पढ़ रहा था और वहाँ ये नज़र आया, मैंने सोचा आप तक बांटूं। और इसकी जो धुंधलापन है, इसका जो पर्दा है जो हमारे आंखों के सामने नज़र आ रहा है, उसको खुलासा करूं। और मेरी कोशिश आज भी यही है कि ये वीडियो ना तो किसी एक पार्टी का है, पॉलिटिकल पार्टी का है, ना किसी एक धर्म का है, ये एक सीख है जो कोरोना काल में हमने सब ने देखी है और पर्सनली देखी है, बहुत क्लोजली देखी है। क्यों ना इससे हम सीखें और मानवता के लिए, धर्म के लिए एक बड़ी काया की कल्पना कर आगे बढ़ें।